नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टेक में। पीएलसी टेक जहाँ पर हम सीखते हैं सीएनसी और वीएनसी की प्रोग्रामिंग, और साथ ही साथ आजकल हम इसमें सीख रहे हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड का बेसिक्स, उसमें बेसिक्स कमांड्स हम सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। पर आगे चलने से पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पीएलसी टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यह रेड वाला स्विच दबाकर आप सब्सक्राइब हो जाइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और मैं हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वह हमें आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। जो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कि हम सीखेंगे ऑटोकैड में कि जो हमारा यूसीएस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, और जो हमारा कर्सर होता है उस पर हम कैसे उसके पास में लिख सकते हैं या उसको कैसे हम हटा सकते हैं। अगर वह किसी के कर्सर के पास से हटा हुआ है तो उसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं, या फिर जो हमारे अदर्स एप्लीकेशंस टूल्स हैं या टूल बार हैं उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम खोल लेते हैं ऑटोकैड को। ऑटोकैड जो कि एक प्रोडक्ट है ऑटोडेस्क का, और हमारे पास जो ऑटोकैड है जिस पर हम काम करेंगे वह 2020 है। ऑटोकैड 2020 जब ये ओपन होता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऑटोडेस्क का एक प्रोडक्ट है। तो इसके खुलने के बाद हम इसमें जो आज देखने वाले हैं वह हम देखेंगे कि हमारा जो कर्सर होता है, ये इसको हम कर्सर बोलते हैं, पॉइंट जो हमारा होता है, इसमें नई ड्राइंग हम लेते हैं तो इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू ड्राइंग इसमें ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अभी हमारे पास नया पेज, इसको ड्राइंग डिस्प्ले बोलते हैं या ड्राइंग पेज बोलते हैं, ये हमारे पास ओपन हुआ है। तो और ये जो हमारा, इसको हम कर्सर बोलते हैं, जो हमारा पॉइंटर होता है इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो इसको हम कैसे इसको यूज करते हैं इसका हम देख लेते हैं। अभी कोई भी जैसे हमें कमांड लिखनी होती है तो, या कोई पॉइंट लिखना होता है या डायमेंशन लिखनी होती है, जैसे अगर मैं DM लिखता हूँ तो आप देखोगे कि कर्सर के पास में ये लिखा हुआ आ रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के ड्राइंग में यह नहीं आता है, तो उसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं, उसको ऑन करने के कई मेथड होते हैं तो हम देख लेते हैं अभी। एक तो होता है कि हम सबसे पहले DY डायन मोड पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। इसमें अगर 1 लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि डायन मोड अभी ऑन है, और अगर हम इसमें 0 लिख देंगे और एंटर कर देंगे तो, और अगर आप इस पर लिखोगे तो इसका मतलब अब वो ऑफ हो चुका है। इसके बाद में यह नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आने लगता है। और इसके बाद अगर हम इसको ऑन करना है तो ऑन करने के लिए हम फिर दोबारा से वही डायनो मोड लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और एंटर। तो और आप फिर से लिखना शुरू करोगे तो ये देखिए आपके कर्सर के पास में ही लिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, जब मैं इसको यहाँ पर कर्सर को इस पर लाता हूँ तो इसमें डायनामिक इनपुट लिखा हुआ आता है, और ये डायनामिक इनपुट ऑन है अभी। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा,
और इस पर जब मैं कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ आ रहा है डायनामिक इनपुट ऑफ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर कर्सर हटाकर दोबारा इस पर लाता हूँ तो लिखा आता है डायनामिक इनपुट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है या नहीं। अभी मैं इस पर जैसे कि लिख रहा हूँ तो यह कर्सर के पास में है। अभी मैं एस्केप करता हूँ और फिर इसको ऑफ कर देता हूँ और उस पर लिखता हूँ तो ये देखिए या ये अपने कमांड बार में लिखना शुरू हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं कमांड बार। तो कमांड बार में लिखा जाने लगता है। अभी मैं इसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अगर कुछ लोगों के सिस्टम में यह दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइजेशन में और इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आप देखिए डायनामिक इनपुट पर क्लिक करेंगे तो यह अभी ऑफ हो गया है। और अगर किसी के सिस्टम में यह ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए ताकि ये यहाँ पर आ जाए तो ये इससे ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक ये तरीका था हमारा डायनामिक इनपुट को ऑन ऑफ करने का। एक और होता है इसका शॉर्ट की है F12। F12 से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए आप कर्सर के पास में लिखा जा रहा है। अब अगर मैं F12 दबाता हूँ तो ये बंद हो गया है। F12 दबाने के बाद ये देखिए अब ये इसमें नीचे कमांड बार में लिखा जाने लगा है। तो इसको मैं ऑन करने के लिए भी F12 दबाऊंगा और ये ऑन हो जाएगा। और उसके बाद मैं कर्सर को ऊपर लाऊंगा तो इसमें है यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था एक मेथड हमारा कर्सर के पास में इसको लिखने के डायनामिक इनपुट देने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद में कि यूसीएस को हम कैसे इसको मूव कर सकते हैं या इसका हम कैसे और यूज कर सकते हैं। तो यूसीएस के लिए हम लिखेंगे यूसीएस आइकॉन ऑन और ऑफ। हम इसको यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑन है तो ये इसमें दिखता रहेगा और ऑफ कर दूंगा तो यह हाइड हो जाएगा। तो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम UCS आइकॉन ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए यह UCS देखना शुरू हो गया है। UCS जो होता है हमारा इसको बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको आप हाइड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं इसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो एक बार और हम देख लेते हैं इसको हाइड करना और अनहाइड करना। तो UCS आइकॉन एंटर इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। और इसको UCS आइकॉन ऑन करेंगे तो यह यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और UCS को अगर आपको मूव करना है कहीं पर इसमें आप देखिए कि किसी फेस पर आप सेट कर सकते हैं, नेम पर, ऑब्जेक्ट पर, या प्रीवियस या वर्ल्ड एक्स वाई जेड एक्सिस जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। अभी यह है वर्ल्ड वाला चल रहा है तो ये भी वर्ल्ड वाला सेट है तो ये वर्ल्ड के हिसाब से बना हुआ है। अब अगर मैं इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगुलर या कोई ट्रायंगुलर बना लेता हूँ लाइन से, मैंने यह एक ट्रायंगुलर बनाया है। तो इस ट्रायंगुलर पर अगर मैं इस लाइन पर एक 90 डिग्री पर लाइन खींचना चाहूँ तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। नॉर्मली लाइन बनाऊँगा तो उसको बनाने में मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं उसमें एंगल देकर सेट करके बना सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको रोटेट करा दूँगा। रोटेट कराने के लिए पूछ रहा है आप कहाँ से इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो मैं इसको रोटेट करा देता हूँ।
ये इसको मैंने रोटेट कराया है, और अब मैं इस पर क्या करूँगा कि अपने कर्सर को सेट करूँगा, एंटर। और इसको मुझे पहले बनाना है, तो मैं इस पर एंटर कर दूंगा एस, दोबारा से एंटर तो ये क्या होगा कि यहां पर आप देखिए ये जो एज है, ये वाली एज अभी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है। तो अब मैं इस पर अगर लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा सेंटर से, तो ये देखिए इजीली लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये 100 डिग्री 90 डिग्री पर ही इस पर ड्रॉ होगी। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं UCS का। आपको इसको अगर रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, UCS क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्ल्ड वर्ल्ड पर क्लिक कर देंगे, तो यह जैसे पहले था उसी कंडीशन में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ऐसे हम यूज करते हैं UCS को, या UCS को मैं ऐसे सेट करते हैं। तो एक और मैं बता देता हूँ कि हम पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे। एक हमारा होता है विंडो टाइप, जैसे ये मैंने किया है। इस पे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से और डाउन करेंगे और राइट कर दें, राइट साइड में कर्सर को लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो यह जो भी इसके अंदर विंडो के अंदर जो भी पार्ट आएगा वह सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको अनसेलेक्ट करने के लिए हम एस्केप दबा देंगे। एक हमारा दूसरा तरीका होता है कि इसको हम लेफ्ट वाले कर्सर को दबाएंगे और प्रेस करके रखेंगे, और जिस चीज़ को भी क्रैश सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको अनसेलेक्ट करने के लिए हम एस्केप दबा देंगे। तो ये वाला जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं लासो, और जो इससे पहले जो हमने मेथड था वह उसको बोलते हैं विंडो सेलेक्शन। तो इस वाले मेथड को हम बोलते हैं लासो सेलेक्शन, लासो मेथड इसको सेलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे हम किसी भी कमांड से हम बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाते हैं, तो इस कमांड से बाहर निकलने के एस्केप दबाएंगे, तो अभी हम एक बार और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में कोई पॉइंट है, हम यहाँ से भी पॉइंट बनाते हैं, तो ये देखिए ये पॉइंट हमने जो 5 पॉइंट बनाए हैं, इस पॉइंट को हम कैसे इसके टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप दबाइए अभी और DDP और टाइप, ये देखिए यहाँ पर DDP टाइप पॉइंट टाइप पर क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास दिख गया है कि हमें दिखा रहा है कि आप इस तरह के पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो इनमें से आप जो भी आप चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। आप इसका पॉइंट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 15 किया, तो ये देखिए हमारे जो ये पॉइंट है इसका साइज 15 हो गया है और अलग से शेप आ गई है। तो इस तरह से हम पॉइंट की अलग अलग शेप यूज कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, DDP टाइप लिखेंगे और एंटर। यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं ये वाला, ओके करेंगे, तो देखिए इस तरह का पॉइंट हमारे को मिल जाएगा। या एक और हम नया लिख लेते हैं DDP टाइप और इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हम अगर कोई नया साइज नया स्टाइल यूज करना चाहें तो नया स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। इसका साइज हम कम करना चाहते हैं तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट्स के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम UCS को कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंट को जो टाइप्स होते हैं उसको हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम जो कर्सर है इसके कर्सर के पास में हम डायनामिक इनपुट
कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे एप्लीकेशन बटन क्या होता है, टूल बार क्या होता है, या रिबन एरिया क्या होता है, ड्राइंग एरिया क्या किसे बोलते हैं, ये कमांड बार या लाइन किसको बोलते हैं, स्टेटस बार क्या होता है, और इसमें हम कस्टमाइजेशन क्या होता है, कहाँ से हम अपने कमांड बार स्टेटस बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये अगले वीडियो में हम जानेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे कि लाइन लाइन कमांड को कैसे यूज किया जाता है, पॉली लाइन का क्या यूज है, सर्किल आर्क। उसके बाद में हम फिर सीखेंगे कि हम कोई ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। आज का टॉपिक पीएलसी टैग के अंदर। तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीएलसी टैग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रेड वाला स्विच दबाकर आप सब्सक्राइब हो जाइए, और इसके साथ में जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे इंटीमेशन सबसे पहले। हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा इस बेल के आइकन पर क्लिक करने के बाद। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ।